हेलो फ्रेंड, माय सेल्फ राजेश फ्रॉम यूनिवर्सल पब्लिक स्कूल शाहजी नियावरात। नाउ इन लास्ट क्लास वी कंप्लीट एक्सरसाइज 3C, राइट। तो उसमें हमने HCF पढ़ा है, राइट। तो HCF मींस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, राइट। उसमें से जो जो मैंने पढ़ा है वो आप अच्छे तरह से पढ़ लो, राइट। तो नेक्स्ट वी गो टू कॉमन मल्टीपल्स। तो नेक्स्ट बिट इज कॉमन मल्टीपल्स, राइट। तो व्हाट आर मल्टीपल्स? तो मल्टीपल्स लिखना है तो आप सपोज 5 के मल्टीपल्स लिखो, समझो, लिखो बोल के बोलिए समझो। तो 5 के टेबल लिखना है आपको, 5, 10, 15, 20, राइट द मल्टीपल्स ऑफ 7। तो 7, 14, 21, 28 आर द मल्टीपल्स ऑफ 7, राइट। तो 5 के मल्टीपल्स लिखो बोले तो 5, 10, 15, 20, 25, राइट। सपोज 7 के मल्टीपल्स लिखो बोले तो 7, 14, 21, 28 एंड सो ऑन। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ मल्टीपल्स आर देयर इन, राइट। सी हियर कॉमन मल्टीपल्स, तो कॉमन मल्टीपल्स लिखना है समझो। तो राइट राइट कॉमन मल्टीपल ऑफ 4 एंड 8, 8 और 4 के हमें कॉमन मल्टीपल लिखना है। तो लिखो फर्स्ट 4 की लिखेंगे हम, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 8 के लिखेंगे, 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56 एंड सो ऑन एंड सो ऑन, राइट। तो इनफाइनाइट नंबर रहते हैं, फाइनाइट नहीं रहते हैं। देखो कॉमन बोले तो इन दोनों में भी सेम रहना है, 16, नेक्स्ट 24 और 32, राइट। दीज आर दी कॉमन फैक्टर्स और कॉमन मल्टीपल्स ऑफ, राइट। द कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 4 एंड 8 आर 8, 16, 24, 32, राइट एंड सो ऑन। दीज आर दी कॉमन मल्टीपल्स। तो मैंने यहां डैश दिया है बोले तो इनफाइनाइट नंबर है, आप जहां तक लिखेंगे वहां तक मल्टीपल्स आएंगे, राइट। तो इसका एंड नहीं है, फैक्टर्स के एंड है। फैक्टर्स आर फाइनाइट एंड मल्टीपल्स आर इनफाइनाइट है, राइट। तो नेक्स्ट बिट इज लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, राइट, उसे हम शॉर्ट फॉर्म में LCM कहते हैं। लिखो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, और इसी को ही हम LCM कहते हैं, राइट। LCM मीन्स लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। अब देखो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल LCM, सपोज 8 एंड 12 है समझो, राइट। राइट द मल्टीपल्स ऑफ 8 एंड 12। तो लिखो आप 8 के लिखो, 8, 16, 24, 32, 40 एंड सो ऑन। नेक्स्ट 12 के लिखो, 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84 एंड सो ऑन, राइट। अब यहां देखो लोवेस्ट बोले तो सबसे छोटा, तो इन दोनों में कॉमन मल्टीपल कौन सा है वो देखो, वो कौन सा है, 24 है, राइट। तो लिखो देयरफॉर द लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 8 एंड
12 इज 24, तो देखो लोवेस्ट है। तो और आगे लिखे तो 48 लिखे तो 48 एक कॉमन मल्टीपल है दोनों का, लेकिन हमें पूछा क्या है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, राइट। तो 24 इज द लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 8 टाइम 12। तो इस तरह से आपको फाइंड आउट करना है। तो नेक्स्ट वी गो टू सॉल्व एग्जांपल, जो आपके बुक में सॉल्व किए से उसको जाएंगे हम, राइट। उसके बाद एक्सरसाइज। तो एग्जांपल नंबर 1, फाइंड द फर्स्ट टू मल्टीपल्स ऑफ 4 and 10। तो हमें क्या करना है, 4 और 10 के कॉमन मल्टीपल्स, तो फर्स्ट टू, तो जो पहले आएंगे उन दोनों को लिखना है, राइट। तो फर्स्ट हम 4 के मल्टीप्लाई लिखेंगे। तो 4 के मल्टीप्लाई लिखना है तो हमें क्या करना है, 4 का टेबल लिखना है। 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40 and so on। 10 की लिखो, 10, 20, 30, 40, 50, 60 and so on। तो यहां देखो, फाइंड द फर्स्ट टू मल्टीपल्स, तो मल्टीपल्स है, राइट। तो 10 तो नहीं है, 20 है, तो 20। नेक्स्ट 40 है, यहां भी 40 है, तो लिखो आप, देयरफॉर द फर्स्ट टू मल्टीपल और कॉमन मल्टीपल ऑफ, यहां लिखो कॉमन बोल के लिखो, कॉमन मल्टीपल ऑफ 4 and 10 इज 20 and 40। इस तरह से आपको कॉमन मल्टीपल फाइंड आउट करना है, राइट। तो नेक्स्ट वी गो टू एक्सरसाइज 3D। तो उसमें का ए, फाइंड फर्स्ट क्वेश्चन द फर्स्ट टू कॉमन मल्टीपल ऑफ 6 and 15। द फर्स्ट टू कॉमन मल्टीपल ऑफ 6 and 15। तो मल्टीपल्स बोले तो टेबल्स लिखना है, राइट। तो फर्स्ट 6 का लिखो, 6, 12, 18, 24, 30, 36, राइट, 42, 48, 56, 54, 60 एंड सो ऑन। इसके आगे भी रहेंगे, 15 का लिखो, 15, 30, 45, 60, 75, 90 एंड सो ऑन। तो देखो, देयरफॉर तो 15 नहीं है, 30, 30, 60, 60, ये दो ही आते हैं, राइट। देयरफॉर द फर्स्ट टू कॉमन मल्टीपल ऑफ
6 and 15 is 30 and 60, right? तो इस तरह से आपको रिमेनिंग प्रॉब्लम आपको ही सॉल्व करके आंसर लिखना है. तो नेक्स्ट वी गो टू सेकेंड क्वेश्चन एज बी. फाइंड द LCM of the following numbers. Find the LCM of the following numbers. LCM बोले तो lowest common multiple. तो हमें find out करना है. The first question given. 6 and 10. 6 और 10 की हमें कॉमन मल्टीपल फाइंड आउट करना है. तो 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, 66. राइट, 10 के लिखो आप 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, and so on. Right? Therefore, the LCM of find the LCM of the following number. So LCM find out karna. So LCM bole to lowest common multiple. The LCM of 6 and 10 is देखो 10 है 20 है तो 30 तो दोनों में भी 30 है तो 6 and 10 is 30. राइट, इस तरह से आपको एलसीएम फाइंड आउट करना है. नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन 4 and 9. तो फर्स्ट 4 के लिखो आप 4, 8, 12, 16, 20, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, and so on. और 9 के मल्टीपल लिखो 9, 18, 27, 36, 45, 54, and so on. Right? अब यहां देखो 9 नहीं है, 4 भी, 8 भी नहीं है, तो 36 है. तो लिखो आप दोनों में 36 है. Therefore, the LCM of 4 and 9 is 36. 4 and 9 is 36. Right? तो नेक्स्ट नेक्स्ट सेवेंथ क्वेश्चन देखिए 9 एंड 18. तो फर्स्ट 9 के आप मल्टीपल्स लिखो 9, 18, 27, 36 and so on. 18 की लिखो 18, 36, 54 and so on. Right? So therefore, the LCM of 9 and 18 is, तो common कौन सा देखो 18 है, तो 18 लिखो. इस तरह से फाइंड आउट करना है. यहां देखो दोनों में जो फर्स्ट कॉमन रहता है वो लिखना है, लोवेस्ट लिखना है. नेक्स्ट 11th क्वेश्चन देखो 8, 10 एंड 20. तो फर्स्ट 8 के लिखो 8, 16, 24,
32, 40, 48 and so on. नेक्स्ट 10 की लिखो, 10, 20, 30, 40, 50, 60 and so on. 20 की लिखो, 20, 40, 60, 80, 100 and so on. अब इन तीनों में जो कॉमन नंबर है उसे लिखो, राइट right? देखो 20 भी नहीं है, 30, 40 है, यहां भी 40 है, यहां भी 40 है. देयरफॉर द एलसीएम ऑफ 8, 10 एंड 20 इज 40, राइट. तो उन तीनों का एलसीएम क्या हो गया, 40 हो गया, राइट. तो इस तरह से आपको हर एक प्रॉब्लम सॉल्व करके देखना है, राइट. तो नेक्स्ट वी गो टू अनदर, टू फाइंड एचसीएफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या है वो देखेंगे हम. तो प्राइम नंबर आपको मालूम है, प्राइम फैक्टराइजेशन भी आपको मालूम है, राइट. टू फाइंड HCF by prime factorization method, right? तो उसमें से first example, find the HCF of 18, sorry, 28 and 72 by, तो वहां क्वेश्चन में दिए सो रहता है, राइट. प्राइम फैक्टराइजेशन या तो आप डायरेक्ट करो बोल के दिए सो रहता है. फाइंड द एचसीएफ ऑफ 28 and 72 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से देखो, फर्स्ट 28 है, 28 को आपको क्या करना है, डिवाइड करना है. तो देखो 2 से करो फर्स्ट, 2 वन जा 2, 2 फोर जा, नेक्स्ट 2 से करो, 2 सेवन जा, आप देखो 7 टू जा 14, 14 टू जा 28, ऐसा. नेक्स्ट 7 से करो, 7 वन जा 7, अब नेक्स्ट 72 को करो, तो 2 से करेंगे, अरे 2 3 जा 6, तो 1 बचा, तो 12 हो गया, 2 6 जा 36, अगेन 2 से करो, 2 1 जा 2 8 जा, अगेन 2 से करो, 9 जा, तो 3 से करो, 3 जा, और 3 से करो, 1 जा, राइट. तो इस तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमें करना है. देखो 28 के लिखो, 28 को हम कैसे लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 7, 2 टू जा 4, 4 4 7 जा 28, नेक्स्ट 72 को, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, अब इन दोनों में जो कॉमन है उसको ही लिखना है हमें, राइट. तो 1 वर्सेस 2, देयरफॉर 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4, राइट. The HCF of, right, the 4, 2 into 2 is 4. Therefore, the HCF of 28 and 72 is 4. So, next exercise 3, usme dekho, find the HCF of the following. By prime factorization method. तो prime factorization method से हमें क्या करना है, LCM find out करना है. तो first question देखो, 18 and 42 है, तो first 18 का करो,
तो टू से करो फर्स्ट, टू नाइन्स, उसके बाद थ्री से करो, उसके बाद आओ थ्री से करो, नेक्स्ट 42 को करो, तो फर्स्ट टू से करो, टू टू जा टू वन जा, नेक्स्ट थ्री से करो, थ्री सेवन जा, नेक्स्ट सेवन से करो, सेवन वन जा सेवन, राइट, टू थ्री जा सिक्स, सिक्स सेवन जा, तो 18 को कैसे लिखेंगे हम, टू इंटू थ्री इंटू थ्री, टू थ्री जा सिक्स, सिक्स थ्री जा 18, और 42 को कैसे लिखेंगे, टू इंटू थ्री इंटू सेवन, तो यहाँ टू कॉमन है थ्री कॉमन है, देयरफॉर HCF, therefore HCF is equal to 2 into 3 is equal to 6, right? The HCF of 18 and 42 is equal to 6. So next, fifth karenge, 48 and 108, prime factorization method से बोलते first 2 से करना हमें, right? तो 2 से divide नहीं हुआ तो 3 से कर सकते हैं आप, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, अगेन 2 से 2 1 जा 2 2 जा, अगेन 2 से 6 जा, अगेन 2 से 3 जा, next 3 1 जा 3, तो 108 को first 2 से करो, देखो 2 5 जा 2 4 जा, अगेन 2 से करो, 2 2 जा, नेक्स्ट 1 बचा है तो 14 में 2 7 जा, 3 से करो, 3 9 जा, अगेन 3 3 जा, अगेन 3 1 जा 3, राइट, तो देखो आप प्राइम 48 को हम कैसे लिखेंगे, 2 into 2 into 2 into 2 into 3, और 108 को कैसे लिखेंगे, 2 into 2 into 3 into 3 into 3, तो यहां देखो कॉमन कौन से है, 1 2 और 3, तो लिखो यहां 2 into 2 into 3, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, तो 12 इज द HCF ऑफ 48 and 108, राइट, तो इस तरह से आपको HCF करने होंगे, राइट, तो इसका आंसर 12 है, देखो फिफ्थ का आंसर 12 है, राइट, तो नेक्स्ट टेंथ क्वेश्चन करेंगे, राइट, देखो देखो क्या है, 40, 70 and 85 है, राइट, 40, 70 and 85 है, तो फर्स्ट 40 का निकालेंगे हम, 2 से करो फर्स्ट, 2 2 जा, अगेन 2 से, 2 10 जा, अगेन 2 से, 5 जा, अगेन 5 से, 1 जा, नेक्स्ट 70 का करो, तो फर्स्ट हम 2 से करेंगे, 2 3 जा, 1 5 जा, 2 से नहीं जाता है, तो 5 से करेंगे, 5 7 जा, 7 1 जा, नेक्स्ट 85 है, तो 85 है, यहां 5 है तो 2 से भी नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा, तो 5 से करो डायरेक्ट, 5 1 जा 5, 5 7 जा, तो नेक्स्ट 17 से करो, 17 1 जा 17, राइट, अब देखो 40 को हम कैसे लिखेंगे, 2 into 2 into 2 into 5, और 70 को कैसे लिखेंगे, 2 into 5 into 7, और 85 को कैसे लिखेंगे, 5 into 17, राइट, अब इसमें कौन सा कॉमन है, देखो ओनली 5 कॉमन है, राइट, लिखो यहां, देयरफॉर HCF ऑफ 40, 70 and 85 इज 5, इस तरह से आपको रिमेनिंग प्रॉब्लम के HCF करने होंगे, इफ एनी डाउट देन आस्क इन व्हाट्सएप, राइट, तो नेक्स्ट वी गो टू अनदर वन बिट,
तो नेक्स्ट इज टू फाइंड एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। इससे पहले हमने एचसीएफ का निकाला था, राइट। तो देखो एग्जांपल, फाइंड द एलसीएम ऑफ, फाइंड द एलसीएम ऑफ 1648 एंड 64। इन तीनों का हमें क्या करना है, एलसीएम निकालना है। तो फर्स्ट 16 का प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालो, 2 8 जा, 2 4 जा, 2 2 जा, 2 1 जा। नेक्स्ट 48 को 2 से करो, 2 2 जा, 2 4 जा, 2 12 जा। नेक्स्ट 2 6 जा, 2 3 जा, राइट, 3 1 जा 3, राइट, 3 2 3 जा 6, 2 2 6 2 जा 12, ऐसे। नेक्स्ट 64 को 2 3 जा, 2 2 जा। नेक्स्ट 2 से 2 1 जा, 2 6 जा, 2 8 जा, 2 4 जा, 2 2 जा, 2 1 जा। तो देखो यहां कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स है, यहां भी 4 टाइम्स है, यहां 6 टाइम्स है, राइट। तो आप यहां देखो 4 4 ये 6 है, तो यहां तक 4 हो गए कॉमन, राइट। तो कॉमन लीजिए आप 2 into 2 into 2 into 2, राइट, 4 4 हो गए, इसके में से भी 4 आएगी। अब यहां क्या है, 3 है, इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2, जितने भी रिमेनिंग रहेंगे वो सभी नंबर लेना है आपको, राइट। तो 2 2 4 4 2 8 8 2 16 16 2 16 2 32 32 2 64 64 3 192, राइट। तो 192 इज द आंसर। तो यहां देखो 4 टाइम्स है, यहां 4 टाइम्स है और 3 है, 3 को भी लेना है। ये देखो कॉमन 4 टाइम्स है, तो इसमें से भी कॉमन, इसमें से भी कॉमन 4 लिखा दो, जो रिमेनिंग बचते वो आगे लिखो। यहाँ 3 बचा है और यहाँ 2 2 बचे है, तो इन सभी को मल्टीप्लिकेशन करना है, उसके बाद आंसर लिखना है आपको, राइट। तो नेक्स्ट सी हियर एक्सरसाइज 3, फाइंड द एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन 12 and 18 है, राइट। तो फर्स्ट 12 से 12 का करो, 12 को 2 से करो, 2 6 जा, 2 3 जा, 3 1 जा। नेक्स्ट 18 को करो, तो देखो 2 9 जा, 3 से करो, 3 3 जा। नेक्स्ट 3 1 जा, तो लिखो यहां। तो देखो 2 ये कॉमन है, यहां भी कॉमन है, तो 1 लो, उसके बदले ओनली 1 लेना है। तो 3 यहां है, यहां भी 3 है, तो ओनली 1 3। तो रिमेनिंग क्या है, देखो 2 and 3 है, तो आई वुड 2 and 3 लो। तो देखो 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12 3 जा, 3 2 जा 6, राइट, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36। एलसीएम 12 and 18 का एलसीएम कितना आता है, 36 आता है, राइट। तो नेक्स्ट देखो 11th क्वेश्चन, तो फर्स्ट 4 का लिखो आप, तो 4 को 2 से करो, 2 2 जा 2 1 जा। नेक्स्ट 36 2 से करो, 2 18 जा, 2 9 जा, 3 से करो, 3 3 जा, 3 1 जा। 52 को फर्स्ट 2 से करो, 2 2 जा, 2 6 जा, अगेन 2 से करो, तो 1 3 आता है। नेक्स्ट 13 से ही करना पड़ेगा, राइट। अब यहां देखो 2 टाइम्स है, यहां भी 2 टाइम्स है, यहां भी 2 टाइम्स है, तो ओनली 2 टाइम्स लिखो, 1 2। अब यहां 3 1 टाइम है, तो 2 टाइम्स है, यहां भी 2 टाइम्स लिखो, और ये 13 है, 13 लिखो। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, तो 36 इंटू 13 करो, तो आपका आंसर आएगा। तो आप मल्टीप्लाई करो 36 इंटू 13, तो 468 आपका आंसर आएगा, राइट। तो यहां देखो 2 2 कॉमन है, इसलिए वंस टाइम लिखा है मैंने।
और यहाँ 33 बचे सो है वो 33 लिखा है और यहाँ 13, तो इस तरह से आपको रिमेनिंग प्रॉब्लम सॉल्व करना है। ओके, डू होमवर्क। थैंक यू।